इस प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी और करार संगठन बनाने वाले आदरणीय पूर्व सचिव प्रखंड सचिव बीआरसी में एमडीएम के परिवार झारखंड का अलग राज्य का सपना देखा था क्या? इसी के लिए हमारे बिरसा मुंडा ने, फूलो झानो ने, न जाने कई सारे वीरों ने जो झारखंड को अलग करने के लिए सपना देखा था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अनुबंध कर्मियों को यहाँ का लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार जेएमएम का हो, चाहे गठबंधन का हो, चुनावी वादों में उन्हें वाद आता है पारा शिक्षक। जब चुनाव जीतते हैं तो फिर वो पीछे दरवाजे से भागने का काम करते हैं। मित्र, समय आ गया है, समय आया है। बहुत सारे चुनावी वादा हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे हम लोग हस्तियों को हमने देखा है कि सिर्फ वादा करते हैं लेकिन जब वादा पूरा करने का समय आता है तो मुकर जाते हैं। इसलिए तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, जम्मू के तमाम क्रांतिकारी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला दिन जिस तरह से हम लोगों को रांची से खदेड़ करके भगाया गया था, आज तक विधानसभा का घेराव हम लोग उम्मीद थे पूरे रांची में 144 लागू किया गया था। हम लोग भी अपने क्षेत्र में 144 लागू करेंगे। अगर 8 तारीख को कैबिनेट से ईपीएफ जैसी समस्या है, अनुकंपा जैसी समस्या है का समाधान नहीं होती है तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में 144 लागू करेंगे और हम लोग भी वैसे विधायक को, वैसे मंत्रियों को, वैसे झूठा मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का काम करेंगे। और ये भावनाओं के साथ फैलने का जो काम कर रहे हैं उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। सिर्फ आप कमर कस के तैयार रहिए, इसके लिए प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी पूरी तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जज्बा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ तैयार है। समय तो बहुत कम है, बहुत सारे वक्ताओं को भी क्योंकि आप लोगों को सुनना है, फिर भी मैं 2-4 शब्द और बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपनी जो एकता है, जो चट्टानी एकता है उसको भी फड़ने देंगे। आप तमाम लोग को पता होगा कि यही सरकार, जो सरकार अभी नहीं है, जिसे हम लोगों को, जिस सरकार ने हम लोगों को पत्थरबाज कहा था, वो रघुवर दास, वो रघुवर दास को हम लोगों ने चुनाव में बता दिया था कि आपकी सरकार इस बार नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ने दिया। अगर इस बार जो सरकार ने 28 अगस्त को जो वादा किया है, जो समझौता पत्र पर साइन हुआ है, अगर वो नहीं होती है तो हम लोगों ने भी टांके की चोट पर कहेंगे। इस बार गठबंधन की सरकार को बढ़ने नहीं देंगे। इसके लिए जितनी चोट, जितनी ताकत लगानी होगी, आपका प्रखंड कमेटी, आपका जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी के लोग तैयार। पूरा जीवन इधर से उधर कर दिए थे। पारा शिक्षक का पूरा जीवन पारा ही रह गया। शिक्षा जगत में तूफान आया, शिक्षा जगत में फिर से सर्व शिक्षा अभियान आया, किया शिक्षक पारा आया, यहीं से पारा शिक्षक बेचारा आया, यहीं से आया, किया अंधियार को दूर, किया अंधियार को दूर, फिर अभियान को सफल बनाने में अपने आप को न्योछावर कर
शिक्षक पारा शिक्षक का पूरा जीवन पारा ही रह गया। धन्यवाद साथियों। हजरत 10 साल से विधायक है, लेकिन चंद्रमा में इतना बड़ा हॉस्पिटल है।